मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राज्य में कोरोना का कहर जारी है, लगातार दूसरे दिन भी एक मरीज की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। कोटा जिले में इस संक्रमित की मौत हुई है एक दिन पहले ही, जहां झुंझुनू जिले में एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई थी। इस महीने अब तक कुल 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं चिंता की बात यह है कि अब राजस्थान में कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 45 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। और बड़ी अपडेट आपको दे दें, नए संक्रमितों की तुलना में रिकवरी आधी भी नहीं हुई है। इसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 271 हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केसों की बढ़ती हुई संख्या राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। वहीं राजस्थान में ओमिक्रॉन का भी बम फूटा है। प्रदेश में एक ही दिन में 21 नए मामले सामने आए हैं। एक साथ इतने मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में अब तक 43 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश की अगली बड़ी अपडेट और किसानों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 120 FPO के सुदृढ़ीकरण के लिए 137.75 करोड़ रुपए की 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी दी है। इसमें कृषक और पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ समग्र विकास सुनिश्चित होगा। आसान भाषा में समझे तो प्रदेश के किसानों को कृषि में सहयोग देने के लिए और समस्याओं को कम करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021 में चलाई गई है। योजना में किसानों को खेती के कामों के दौरान दुर्घटना में 5,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे किसान और उसके परिवार को होने वाले नुकसान की भरपाई कुछ हद तक हो सके। और इस प्रकार जैसे किसान खेती का कार्य कर रहा है और काम के दौरान दुर्घटना या फ्रैक्चर होने तथा अंगुलियां कट जाने या विकलांगता होने पर भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सीएम गहलोत की इस मंजूरी के बाद प्रदेश के करीब 96,000 प्रगतिशील कृषक लाभान्वित होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को आयोजित होगी। राजस्थान के 14,92,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। अभ्यर्थी 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अपना एडमिट कार्ड दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त में सफर कर सकते हैं। इस परीक्षा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 456 परीक्षा केंद्र जयपुर जिले में बनाए गए हैं। इस समय एक और बड़ी खबर आ चुकी है, बाड़मेर के RTI कार्यकर्ता पर हाथ पैरों में किले ठोकने और जानलेवा हमला करने के 3 दिन बाद सरकार ने घटना की जांच CID और CB से करवाने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हमले के शिकार RTI कार्यकर्ता को 2,00,000 रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है। आपको बता दें, बाड़मेर जिले के RTI कार्यकर्ता पर 3-4 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। अमराराम का जोधपुर के SDM अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। अगली बड़ी अपडेट, कोरोना के बूस्टर डोज के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार से निवेदन है कि बूस्टर डोज के बारे में जल्द फैसला लेकर दिशा निर्देश जारी करें। एक और बड़ी अपडेट, ओमिक्रॉन ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी हो चुका है। कई गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लग गया है। खासकर इन 3 राज्यों में आगरा की सीमा सटी हुई है। ताजमहल होने के कारण सबसे ज्यादा सैलानी जयपुर और दिल्ली से ही आगरा आते हैं। इसको देखते हुए इन राज्यों के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा एहतियात बरते जाने का निर्णय किया गया है। राजस्थान से आने वाले सभी रोडवेज बसों को चेक पोस्ट पर ही रोककर सवारियों की सैंपलिंग किए जाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर और देश की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्कूल में पढ़ने वाले और विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन शुरू करने की बड़ी घोषणा की है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जल्द ही नेजल और DNA वैक्सीन भी शुरू की जाएगी। PM के संबोधन से पहले
DCGI ने बच्चों के वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि हम साल के अंतिम सप्ताह में है, 2022 आने वाला है, आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही समय सचेत रहने का भी है। तो यही थी देश और प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।